ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाँ भाई, मैं आपकी प्रोफाइल देखते ही समझ गया था, मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए, गर्ल फ्रॉम एले। अब आप एले मेले की तो होने से रही। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप बनिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, जिंदगी में बचा ही क्या। बस एक दफा डॉलर आ जाए, मेरा मतलब है आप जिंदगी में आ जाएं। क्या आधा रही है? नहीं, मसले की कोई बात नहीं है, नहीं मसले की बात, बस जरा नौकर वाकर होते ना उनको जरा बताना पड़ता है। जी 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 जी, हाँ आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, हाँ आ जाए, फिर मिलके फैसला करते हैं। ठीक है चले ओके। अरे यार जानी, तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, अब होगा क्या, क्या करूँ मैं, क्या, चलो देखते हैं। बच्चू भाई। अरे बाबा सामने से हटो बाबा, ड्रामा चल रहा है। बच्चू भाई जरूरी बात करनी थी आपसे। उमर सरदार को पहुंचा। अरे भैया मेरे सामने से तो हटो। और ये ड्रामा किसी की जिंदगी के फैसले से ज्यादा जरूरी है। आज खाना नहीं पकेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे बाबा जानी तुम पागल हो गया क्या, कैसी बातें करता है? लाजमी सी बात है, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मुझे पूरा यकीन है इस घर में किसी की जरूरत नहीं है खाना बनाने की। क्यों बाबा, तुम कहीं जा रहा है क्या? कहीं नहीं जा रहा, मरने जा रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है ना, खाना पका के चले जाना। सोच ले, एक वक्त का तो खा लेंगे, उसके बाद क्या होगा? अरे बाबा तुम्हारे मरने के बाद स्वयं तक दो दिन तो बाहर से बिरयानी आती रहेगी ना बाबा, तो बाद में देखेंगे क्या करना है। मतलब आपको मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, बस खाने की फिक्र? अच्छा हुआ बाबा तुमने ऐसी बात करके ना मेरा बिरयानी खाने का मूड बना दिया है। क्यों सीमा? हाँ मुझे भी भूख लग रही है, जाओ जल्दी से दो प्लेट ले आओ बिरयानी। दो तीन क्यों नहीं? अरे तुमने तो कहा तुम मरने वाले हो। बाबा बिरयानी खाकर मरना है क्या? ख्वाहिश तो देखो इसकी सीमा। ओ भाई मैं अपने लिए नहीं, अंदर जो बैठी ना डायनासोर नहीं, उसके लिए बोल रहा हूँ। बाबा ये कौन है? बच्ची वो जरीना की बात कर रहा है। अरे जानी तुम्हें कितना ख्याल है मेरी बहन का। मेरी जो नहीं है इसलिए। क्या मतलब बाबा? मेरा मतलब है मेरी कोई बहन नहीं ना इसलिए। अरे बाबा बकवास बंद करो, जाओ जल्दी से जाकर बिरयानी लेकर आओ, ड्रामे में इश्तेहार आ रहे हैं अभी। हाँ जानी जल्दी से लेकर आ जाओ, बाकी का ड्रामा ना हम बिरयानी खाते हुए देखेंगे। बाबा बहुत मजा आएगा। तुम अज्ञानी है, टीवी क्या देख रहे हैं, जाओ बाबा लेकर आओ। छोड़ा रहता है। बच्चू जी बदतमीज किस्म के लोग हैं, यानी के इतना अरसा मैंने काम किया कोई कदर ही नहीं मेरी है? एक दफा ट्रिलियन मिलियन डॉलर मेरे पास आने दो, फिर इन सबको नौकर ना बनाया। ये लीजिए जी, ये ले, ये लीजिए, ये ले सीमा मैडम, लीजिए जी। आप लोगों की ये आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होगी ना बिरयानी खाने की, अब मेरी बात भी सुन ले। अरे बाबा ऐसी क्या बात है, बोलो जो बोल के नहीं दे रहे हो। बोलना तो कब से चाह रहा हूँ लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे। अच्छा बाबा मुद्दे पे आ जाओ, क्या बात करना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो वो बताओ। एक मिनट वो मेरे को अंदर जाने दो, मेरे अदा के सामने मेरा हाथ मांगोगे तो मेरे को शर्म आएगी, इकड़ो मिनट। जिंदगी में पहली दफा इस खातून ने कोई अच्छी बात की, बहुत बेहतर हो गया, शुक्र। वैसे मैं रिश्ते की ही बात करना चाह रहा था आपसे। अरे बाबा जानी तुम अपनी औकात में रहो, तुम जरीना के ख्वाब देखना छोड़ दो बाबा। ख्वाब? डरावने ख्वाब? अल्लाह ना करे ऐसे डरावने ख्वाब मैं देखूं, वो भी कुछ चीज है ख्वाबों में देखने वाली, ख्वाब में आ जाए ना तो बंदा बेख्वाबी का मरीज हो जाए। अरे बाबा ये तुम कैसी बात कर रहे हो मेरी अदी के बारे में, जरा कोई ढंग की बात कर लिया करो कभी उसके बारे में। अच्छा भाई मेरी तो दुआ है पूरी दुनिया में बच्चू भाई की तरह सब उसको प्यार करें, बस खुश। अरे नहीं बाबा नहीं, कोई एक आध बंदा तो छोड़ दो। अच्छा बाबा मुद्दे पे आ जाओ, क्या बात करना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो वो बताओ। वो ना मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने ना जरा शादी का फैसला कर लिया है।
देखा सीमा, देखा बाबा, ये फिर शुरू हो गया है। ओ भाई, एक आपकी बहन की शादी नहीं हुई, और भी बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई, और वैसे भी मेरा अगर आपने स्टैंडर्ड सुन लिया ना तो पाव तले से जमीन निकल जाएगी। हाँ तो बाबा वापस कब आएगी? क्या पापा, जमीन जो पैरों के तले निकलेगी? बच्चों मिसाल दे रहे वो, आप बिना। अच्छा जानी, बताओ कौन है वो बदनसीब? बच्चों ऐसे तो ना बोले। बच्चों साहब, अब हर किसी का नसीब अब सीमा मैडम की तरह थोड़ी बदनसीब हो सकता, कुछ का अच्छा भी होता। खैर, वो अमेरिका में रहती है, मिलियन डॉलर्स की मालकन है, वो मेरे इश्क में मुब्तला है और मुझसे आके मिलेगी और रिश्ता तय करेगी। हैं हैं हैं, ये सब कुछ कब हुआ, हमें क्यों नहीं पता चला? बस जी, मोहब्बत चीज ही ऐसी है। अच्छा जाने, ये बताओ कि वो अमेरिका में कहाँ रहती है? एले, उसकी प्रोफाइल पे एले का नाम है, गर्ल फ्रॉम एले। अरे बाबा छोड़ो, ऐसे बहुत आती हैं एली मेली, बार बार बर्तन उठाओ, चलो शाबाश। बच्चू आप तो चुप करें, जानी तुम जाओ ना, ये बर्तन मैं खुद ही उठा लूंगी, जाओ 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 बाबा जाओ। सीमा तुम तो इसके साथ ऐसे कर रही हो जैसे शादी हो गई उस मैली से इसकी। आ तो रही है ना बच्चू। अरे यार, ये तो बाबा हमारा क्या है, हमारे कौन से बाड़े बेच के ले जाएगी साथ। सीमा मैडम, इनको तो चुप कराएं। बच्चू आप तो चुप करें ना, मुझे इसकी बात तो सुने दे पूरी। हाँ जानी, वो तुम क्या 8-10 मिलियन डॉलर की बात कर रहे थे? जिससे भी उस लड़की की शादी होगी ना, 20 मिलियन डॉलर की जायदाद मिलेगी। जानी मेरा प्यारा भाई, तुम्हें पता है ना कि पापा ने कभी भी तुम्हें नौकर या मैनेजर नहीं समझा, हमेशा अपना बेटा समझा, क्यों बच्चू? नहीं बाबा, मैंने तो हमेशा ऐसे जलील होते ही देखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके लिए लड़की अमेरिका से आ रही है। किस्मत की बात है, होनहार, पढ़ा लिखा, तमीज का, सलीके वाला लड़का बदनसीब ही होगा जो उसको मना करेगा। चलो मान लेते जो भी है, लेकिन जानी तुमने ना अपनी बहन को नहीं भूलना। हाँ बाबा, बहनों ही को भी, मगर ये ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा मुझे ऐसा लगता है। क्यों? वो ऐसे कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया है, मैंने कह दिया कि मैं घर जायदाद बंगला नौकर चाकर सब है मेरे पास। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है जानी, मेहनत करते रहो, ये सब कुछ भी मिल जाएगा। मैडम वहां से कोई तरक्याती मंसूबे की मंजूरी देने के लिए वक्त नहीं आ रहा जो 10 साल का प्लान पे मबनी हो। तो फिर क्या, बस आने वाली होगी वो। कब? कभी भी, किसी भी वक्त। मुझे तो लगता है दरवाजे पे आ ही ना गई हो। बच्चों जाके देखना जरा। बच्चों भाई बात तो सुने। अरे बाबा दफा करो, इसके चक्कर में हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें बाबा। बच्चों ऐसे तो ना बोले, जानी भाई है मेरा। डॉलर भी क्या चीज है, पल में रिश्ता बना देता। जानी जानी, मैंने तो हमेशा तुम्हारी तरफदारी की है। हाँ मालूम है मुझे, मालूम है मुझे, और मुझे ये भी मालूम है यहाँ रह के मेरा कुछ होने वाला है नहीं। आने दे उसको, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी बातों का झूठ मान के इनकार कर देगी वो। मैंने क्या क्या सोच रखा है आप लोगों के लिए, क्या क्या सोच रखा था। 8-10 मिलियन तो मैं दे ही देता आप लोगों को, लेकिन खैर सारा मामला धरा का धरा रह जाएगा। जानी 8-10 मिलियन डॉलर तुमने हमें देने के बारे में सोचा था? आप लोगों के अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में है? मगर अब तो मामला एंड समझे, खत्म समझे आप तो। अब बच्चू कुछ सोचो। मैं क्या सोचूं? रहने दे, आप लोग मेरे लिए कोई नौकर थोड़ी बनेंगे, और अगर आप लोगों ने नौकर बनने की एक्टिंग कर भी ली तो दिल से मालिक थोड़ी तस्लीम करेंगे और उस तरह की एक्टिंग भी नहीं करेंगे। सब मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। बच्चू 8-10 मिलियन डॉलर डॉलर है, सोचो। बच्चू भाई ये क्या कर दिया, टाई लंबी लंबी बांध दिया आपने। अरे बाबा मुझे क्या पता टाई कैसे बांधते हैं। लेकिन जानी तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। अब वो तो सब तो ठीक है, लेकिन जरीना कब होगा क्या? बाबा जब तुम मिलियन डॉलर करोड़पति बन जाओ ना, तब बात करना जरीने के बारे में। बच्चू तब तक ये शादीशुदा हो चुका होगा। बाबा उससे क्या होता है, देखे मैं मर जाऊंगा, कुआरा मर जाऊंगा, लेकिन कभी नहीं सोचूंगा इस बारे में। मैं ये कह रहा था कि जरीना को इस बारे में कैसे बताएंगे। अदा, क्या सोचा भला आपने? अरे ये क्या भला, ये क्या बदतमीजी है, बहन से पूछो नहीं और दूल्हा को तैयार कर लिया है। लो भाई, अब इससे कैसे समझाएं? मेरे तो बस की बात ही नहीं है। अरे बाबा मैं समझाता हूँ।
बाबा किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अपन जब भी आप ही विराजे तो भला क्या करेगा काजी। अरे बाबा काजी और माजी को छोड़, बाबा मुस्तकबिल का सोच। तो मुस्तकबिल के बारे में भी मैंने सोच लिया, 15 बच्चे होंगे 15। लो पूरी टीम बना ली, रिजर्व में पानी पिलाने वाले 10-12 वो भी रेडी हैं। अब जरीना एक काम कर, तू उधर आ बाबा, मैं तुझे कुछ समझाता हूँ। चल बाबा चल, चल। मुश्किल है इसको समझाना, वैसे टाई लंबी कर दी है, इतनी बड़ी टाई, बताओ जबान मार निकली टाई। सबके चाओ $10 million के मेरे मतलब है मेरे भाई के, भाई के। क्यों इतनी उतावली हो रही हो, क्यों इतना हो जाए, मैं दे दूंगा दे दूंगा। पक्की बात है, दे देना। ये लंबी हो रही है, जबान से काट दो। मुझे नहीं आती टाई भाई बनाना। क्या करूं लंबी बुरी लग रही है टाई। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आइए 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 आइए। बच्चू मैडम का सामान कमरे में रखो, फटाफट मेरी गाड़ी जो है ना वो साफ कर दो। आजकल के भी जहाँ नौकर, तोबा। तुमने भी ना अजीब और गरीब नौकर रखे हुए हैं, बंदा कोई पढ़ा लिखा नौकर ही रख लेता है। अरे हमारे गांव का है असल में, वहां दूध बेचा करता था और नहायत ही इतना गमार जाहिल। इनके अब्बा भी हमारे मुलाजिम थे। ओ खानदानी नौकर यू मीन? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अब्बा क्या करते हैं? दूध वाला था, किसी भैंस के नीचे आके मर गया होगा, अब मुझे इतना क्या पता। क्यों बच्चों? बाबा जानी तुम इससे बात करो, मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं बाबा। सीमा मैडम, सीमा सीमा। क्या 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 हुआ? अपने खावन को अंदर लेके जाओ, अजीब बदतमीज बेहुदा आदमी है ये। बाबा इसे समझा दो, मैं इसे बहुत तोड़ूंगा, मारूंगा इसे मैं। बच्चू $10 million, $10 million। बाबा बाढ़ में गए $10 million, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा बाबा। बच्चू माय गॉड बॉय, चलो यहाँ से बच्चू चलो। जाहिल गमार कहेंगे। ये सब क्या था? कुछ नहीं कुछ नहीं, असल में अपने अब्बा का सुनता है ना जब भी तो एकदम दौरा पड़ जाता है, पागल हो जाता है। और वो ये लड़की कौन थी? उसकी बीवी है, ये भी कौन से आई हुई है, अजीब जाहिल लोग हैं। सब पागल हैं। खैर छोड़ो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ चेंज कर दूँ। अजी तो खैर है, बैठो ना बैठो बैठो, खड़े क्यों? जाने जाने जाने, खाना भला कौन देगा? क्या बात है जाने, तुम भला परेशान क्यों? ये वही अमेरिका वाली छोकरी तो नहीं है? इतनी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, इससे ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, फिर कहाँ का अमेरिका। एक्सक्यूज मी, अब ये कौन है? मैं वो हूँ जिसके दिल में जानी पहले बसा था, इसके बाद तुम आई हो। ये सब क्या कह रही है और तुम बोलते क्यों नहीं हो? खैर याद रखना जानी, उससे शादी ना करके ना तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। चुप पुकली जेड़ी था है। मामा बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता ही है अमीर लोगों के पीछे सारे लोग मर रहे होते हैं। वैसे ना ये अपने बच्चू है ना, उसकी बहन है, दिमागी तौर पे पागल है ये भी, फारिक बिल्कुल फारिक। अच्छा 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 अच्छा, इसका कुछ कर लो यार, बहुत बड़ी लग रही है। हाँ, मैं इसको ना काट दूंगी। ये आज कैसा हुलिया बनाया हुआ है? वैसे कम बुरी लगती हूँ जो आज तैयार भी नहीं हुई। तुम लोग तो तैयार होके आई हो ना, तो तुम लोग कौन सा अच्छी लग रही हो? लेकिन ये तो काम वालियों जैसा हुलिया बनाया हुआ है। हाँ तो मैं पूरा ऑफिस संभालती हूँ, काम करती हूँ, तो काम वाली हुई। लगता है आज इसका दिमाग सेंटर में नहीं है। अरे नहीं, बस वो $10 million का सवाल है ना। $10 million का सवाल है? और हाँ, हम लोग ना एक गेम खेल रहे हैं, सवाल $10 million का। ये कैसा खेल है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। चलो कभी ना कभी तो पहली बार होना था ना, आज ही सही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। और ये दोनों कौन है? वो क्या कर रही हो? घर देखो कितना गंदा हो रहा है, चलो काम करो। वो मैंने तुम लोगों को बताया था ना, हम लोग गेम खेल रहे हैं, गेम। ओह तुम्हारा मतलब सवाल $10 million का। और तुम दोनों नौकरानी की दोस्तों निकलो यहाँ से, आइंदा तुम लोग मुझे अगर यहाँ नजर आई ना तो फिर देखना, निकालो तुम इनको खुद ही अपनी जुबान से और काम पर लगो, निकलो। जाओ, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी काम पे लगे, ठीक है बहुत हो गया। हाँ हाँ हाँ, पागल खाना बनाया हुआ है भाई, पागल तो ये खुद है। अच्छा ये बताओ, सब बातें छोड़ो, पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये जो लोग है ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ पागल नौकर, हो गया ना खाना, चलो निकलो यहाँ से अब।
जानी तुम इसको कह क्यों नहीं रही कि ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा? बच्चों जाओ किचन में जाओ, वहां जाके खाओ और मैडम के खाने पे नजर मत लगाओ, चाओ बस जाओ। बस अब खुश? और हाँ, ये जो नौकरानी है ना, अपनी दोस्तों के साथ ना बातें कर रही थी। खैर अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। आले का आला बिगड़ा हुआ है, पागल लगते हैं सारे के सारे। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। इतनी भूख लग रही थी कसम से, खाना खाओ। सरीना, हम नौकर हैं यहाँ पर। अरे चुप करो बड़ा, भूख में बाबा मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तुच्चू, ओ पागल तुच्चू। आप किसको बुलाना चाह रही हैं? तुम्हारे पागल नौकर को, तुच्चू को। अरे तुच्चू नहीं, बच्चू है, ये तो बच्चू है प्यार से। बच्चू मैडम को काम है, पूछो क्या काम है। एक तुम पागल, ऊपर से तुम्हारी बहन पागल। उठाओ इसको यहाँ से, वरना मैं इसको उठा के बाहर फेंक दूंगी। अबे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं तेरा एलएलबी निकाल दूंगा। चुप कर। एलएलबी नहीं, एलए। हाँ जो भी है निकल। सीमा मैडम, सीमा देखो ना। जरीना, जरीना चलो हम चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। तुम बोले तो जा रही, वरना मैं इसको छोड़ती नहीं। बच्चों आ जाए। ये कैसे नौकर रखे हुए तुमने पागल? अरे नाराज हो के खाओ ना, ये खाए, बिरयानी बड़ी खास मंगवाई है मैंने। खाए खाए यार, एक तो ये टाई का समझ नहीं आ रहा, बता इसका क्या हाल है? और दूंगी तुम्हारी मैं टाई। मैं कुछ नहीं जानती, उस पागल की जाहिल बहन को इस घर से निकालो अभी के अभी। देखो देखो समझा करो, गरीब लड़की है बेचारी, घर बार भी नहीं है उसका कोई। समझ गई, तुम्हारा खुद उसमें दिल अटकाओ। कैसी बातें कर रही हो, मुझ पर शक कर रही हो? शक? मुझे तो तुम पे यकीन है कि तुम्हारा यकीनन कोई ना कोई चक्कर चल रहा है उसके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, उसको तो मैं अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। मुझे और नहीं सुनने ये ड्रामे श्रामे। वो जब तक इस घर में रहेगी ना, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। और हाँ, मैं अपने 20 मिलियन डॉलर तो चैरिटी में देने वाली। 20 मिलियन डॉलर चैरिटी कर दोगी? नहीं करो, आज दिन ही अजीब सा, पहले टाई गलत बंधी और अब तुम ये कह रही हो। नहीं करो, ऐसे नहीं कर रहा। हाँ ओके बस, ये चाय खुद ही पियो। क्या हो? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बाबा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुम देखना मैं इसका कीमा निकाल दूंगा बाबा। अच्छा भाई, अभी से इतनी शक्की मिजाज है, बाद में क्या होगा मेरा? बाबा बाद में कुछ भी हो मुझे नहीं पता है, अगर मुझे मिलियन वाले डॉलर ना मिले ना बाबा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मतलब मेरी कोई परवाह नहीं आपको? जानी मेरे प्यारे भाई, जितनी जिल्लत हमें उठानी पड़ी है ना, इतनी कुर्बानी तुम्हें भी देनी पड़ेगी। सब बातें छोड़े, एक कप मलाई मार के ना जरा अंदर भेज दो। जानी बाबा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे लिए नहीं, 10 मिलियन के लिए सोचो। बाबा डॉलर लगाओ डॉलर, वरना पैसे तो हमारे पास भी बहुत हैं। जी 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 वही डॉलर डॉलर डॉलर। हाँ बाबा डॉलर लगाया करो, ये सुन के ना दिल डॉलर डॉलर हो जाता है। डॉलर को मारो गोली। ये देखो यार टाई का क्या करो, बड़ी हो रही है नीचे से जमान। जानी बाबा जब तक डॉलर नहीं आएगा ना, ये बड़ी होती रहेगी ये छोटी होती रहेगी। जाओ बाबा जाओ, बैठा लेके आता हूँ चाय। जाओ यार, जब तक तू कुछ बोलेगा नहीं हमें कैसे पता चलेगा तेरे साथ हुआ क्या है? अरे बाबा मुझे तो लगता है आज इसके घर दूध नहीं आया। यार तुझे दूध के अलावा और कुछ सूझता भी है? हाँ बाबा भैंस, मुझे लगता है इसकी भैंस मर गई है। अरे बच्चू वैसे ही मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ऊपर से तू और पका रहा है। अरे बाबा मैं पका रहा हूँ, शर्म करो बाबा, 20 मिनट से ये रो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, अब ये सुन बैठा है। यार किसी को बताकर क्या फायदा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है यार। अरे बाबा चुप करो, 20 बार तुम ये जुमला बोल चुका है, बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, किसने धोखा दिया है? मुझे तो लगता है इसकी इसको गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई है। अरे बाबा इस तरह मत रो, लोग समझेंगे कि हम तुझे ज़िबा कर रहे हैं। अबे कुछ कर यार, वरना ये हमें किसी और केस में अंदर करवा देगा। अरे बाबा मैं क्या करूँ, अगर ये भैंस होता ना तो उसे मैं फिर भी चुप करवा सकता था। देखा तूने, देखा किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, मैं खुद किसी करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा कहीं नहीं जाओ बाबा, नहीं नहीं मुझे छोड़, एक काम करो बाबा तुम मेरे साथ अंदर चलो, बाकी मैं देखता। नहीं नहीं छोड़ मुझे, छोड़ यार मुझे। अरे बाबा छोड़, तुम अंदर आओ बाबा अंदर आओ। अरे बाबा बहुत दुख भरी दास्तान है बाबा तुम्हारी, बहुत सुनकर अफसोस हुआ बाबा। जी लो शरबत पियो बाबा, शरबत पियो 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 शरबत। अरे
बाबा हल्के रहो बाबा, यहाँ किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। बाहर भी नहीं रोने देता, यहाँ पर भी नहीं रोने देता, तो मैं कहाँ पर जा कर रहा हूँ? सवाल तो अच्छा किया है तुमने मुझसे, मैं क्या करूँ? अरे यार बच्चू भाई, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने आगे और देख लिया तो मसला हो जाएगा। अरे बाबा तुम्हें अपनी पड़ी है, यहाँ मेरा दोस्त खुदकुशी कर रहा है। अरे इसे को जो भी करना करे लेकिन आहिस्ता। अरे बाबा जो भी करना करे मैं खुद ही देख लूंगी उसको, तुम करो खुदकुशी, करो करो। अच्छा बीवी तो बीवी, अब तो नौकर के भी दोस्त घर आने लग गए हैं। जानी निकालो इन सबको अभी के अभी। यही है वो बच्चू, यही है वो जिसे मुझे धोखा दिया है। शट अप, तुम कौन हो, कैसी बातें कर रहे हो? ओए ज्यादा अंग्रेज़न ना बन, FB पर गर्ल फ्रॉम LA की प्रोफाइल बनाकर लोगों को लूटती है। क्या क्या, क्या? मुझसे भी दोस्ती हुई, मेरा घर आई, मुझे $20 मिलियन के ख्वाब दिखाए, इसको इंप्रेस करने के चक्कर में स्टाइल मारते मारते कंगाल हो गया और आखिर में जो बचा था वो भी लूट कर ले गई। मतलब कि कंगली है? हाँ, जब मैं उसे ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसकी असलियत मालूम हुई। LA से तो आई होगी ना? हाँ LA से तो आई है, लेकिन ये LA लॉस एंजलिस वाला नहीं, लाइंस एरिया वाला LA, लाइंस एरिया। रुंगा नहीं, तू भागती क्या? रुक। अरे 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 बाबा भाग, ये क्या किया जानी तुमने? अभी मैं बताता हूँ बाबा, इसने पूरा दिन हमसे बहुत काम करवाया है, सामान उठवाया है, बर्तन धुलवाए, ऊपर से कितने टाई छोटी है। हाँ बाबा टाई का कुछ करो, बड़ी बनी हुई है। अरे बाबा तुम्हारा, मैं चला गया लड़कियों को छेड़ा, जैसे उन्होंने गुस्सा किया मैंने कहा बाबा रिकॉर्डिंग हो रही है, वो देखो कैमरा हाथ दिलाओ। कैमरा नहीं था? नहीं बाबा था। अच्छा शेरियार के हाथ में था, शेरियार वाले ही था बाबा। अरे या तो मेरे को आधा बच्चों की तबीयत कुछ ठीक करने लग रही है। हाँ जरीना, कल से बच्चों बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। हाँ बाबा, कल शाम मैंने देखा अब्दुल्ला की तरह नाच रहा था। मगर अब्दुल्ला मामू को तो नाचने नहीं आता, उनकी एक टांग नकली है ना। वाह 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 बच्चू भाई, इसे कहते हैं डॉन, माफिया गॉडफादर। बाबा वही डॉन ना जिसका इंतजार 11 मोहल्लों की औरतें कर रही है। बाबा क्या हुआ, 2 मिलियन ही है ना? नहीं जी, 2 ही हैं, मिलियन गायब है। क्या? अरे बाबा तुम्हारी तनख्वाह आज से दोबारा वापस सिंगल, और तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए बाबा, झूठ बोलते हो मुझसे। इस एरिया का डॉन भाई, जो जो कुछ है वो निकालो बाबा, निकालो। अबे चल निकल यहाँ से, यहाँ पे रहता है और लूटना भी नहीं जानता, हट। चल बेटा जो कुछ है निकाल। अरे बाबा जानी, जानी बाबा मुझे इसमें से बारूद की खुशबू आ रही। कट। क्यों बाबा क्या हो गया? अरे यार के कच्चे का डाकू बना हुआ तू, ऐसे नहीं यार, कुछ स्टाइल लाओ, कुछ भरम लाओ, दहशत लाओ, लगे के डाकू, अगला बंदा डरे भी। एक दफा मेरे हाथ तो आ जाए। अच्छा तो फिर क्या करेंगे? सीधा एनकाउंटर होगा, इस तरह तो बेगम साहिबा बेवा हो जाएंगी साहब। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है, वट्टा सट्टा जो नौकर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा,